आप देख सकते हो हम बहुत ही ज्यादा हाइट के ऊपर आ गए हैं। अजय रास्ता तो काफी ज्यादा डेंजरस है यहाँ का। भाई आ चुके हैं हम ऑलमोस्ट खारदुंगला में और ये बड़े बड़े ग्लेशियर। तो भाई अब अपनी गाड़ी ने स्नोफॉल का अपने इंडिया में ऐसी जगह भी है, सुंदर लग रहा काफी ज्यादा। गले का भी काफ़ी आराम मिल गया, मेडिसिन खाई थी हम लोगों ने। तो अभी अपना प्लान बन रहा है कि हम लोग खारदुंगला जाएंगे, वो भी एक हाईएस्ट पासिस में के बीच में से आता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं, नीचे गाड़ी को स्टार्ट करते हैं जाके। बाहर का वेदर भी ठीक है, अच्छा ही वेदर है। ये अपना होटल है जिसमें हम लोगों ने स्टे करा हुआ। गाड़ी में बैठ गए हैं और अभी हर्ष आ रहा है अंदर से। गर्म पानी मंगवाया मैंने अपने लिए, क्योंकि मैंने सोचा कि ठंडा पानी पीने से ही गला खराब हो रहा मेरा बार बार। हम लोग पास को करेंगे कवर और उसके बाद हम लद्दाख सिटी में घूमेंगे। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं खारदुंगला पास की ओर और ये अपने भाई गाड़ी चला रहे हैं और ये आप आगे का वेदर देख सकते हो। वो सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं भाई, वो वाले उस पे जाना खारदुंगला, और काफ़ी हाईएस्ट पासिस में से माना जाता है इसको। ये भाई लेह का थोड़ा सा आपको व्यू दिखा रहे हैं, ये लेह की जो छोटी छोटी दुकानें हैं, यहाँ पर मार्केट हैं। 7 बजे के बाद वैसे यहाँ पर कोई दिखता नहीं है शाम के। यहाँ पे ऑलमोस्ट इस लाइन में होटल ही दिखेंगे आपको। गाइस वो देखो ऊपर, पूरी चोटी के ऊपर पता नहीं क्या है वो, बट जो भी है बड़ा ही अच्छा लग रहा है। भाई लेह में इतनी इतनी छोटी छोटी गलियां हैं यहाँ पे। भाई आपको कैसा लगा ये शहर? बहुत बढ़िया लगा, पीसफुल एरिया, पीसफुल एरिया यार। युवा का दिखाओ, ये ऊपर पता नहीं क्या है, ये म्यूजियम टाइप लग रहा कुछ मुझे। और ना एक चीज और देखिए मैंने यहाँ पे, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। वो देखो वहाँ तो साइड जा रहा हमने, तो ये भाई छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं स्कूल के, स्कूल में छुट्टी हो गई है यहाँ पे लगता है। अब शीशा साफ करके वीडियो अच्छी बन रही है भाई, नहीं तो पहले पूरा गंदा शीशा अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ के घर भी काफी सुंदर है, घर तो नहीं है ये, सारे होम स्टेज या फिर होटल ही हैं। भाई ने कहा मैंने यहाँ पर लद्दाख वाली लैंग्वेज सीख के जानी है। तो भाई एक वर्ड बोलना भाई, हेलो कैसे बोलते हैं भाई, क्या बोलते थे? ये स्कूल है भाई यहाँ का, एक काफी सुंदर स्कूल है। यहाँ पे ज्यादा ना मैदान मिलेंगे आपको, मतलब कि यहाँ पे खाली खाली रेगिस्तान है, रेगिस्तान। इसको डेजर्ट कहा जाता है, लद्दाख को ना डेजर्ट कहा जाता है। ये देखो सारा ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कौन सी जगह पर आ गए हैं। बट लाइफ नहीं है कुछ, यहाँ की लाइफ नहीं लग रही मुझे। हाँ ये तो है, बट काफी बड़ा शहर है, सिटी है काफी बड़ी। ये देख लो भाई,
कैसे होटलों के काम लगे हुए हैं भाई, लग रहा है यहाँ पर भी एक प्लाट लेना ही पड़ेगा। क्यों भाई, क्या करते हो यहाँ पर ही ले ले जगह यहाँ पे। हाँ लेनी पड़ेगी भाई, तभी बात बनेगी। ये भाई आ गया खाड़दुंगला, ये आप यहाँ पर देखो लिखा। काफी सुंदर है यार ये, मतलब कि बहुत सुंदर है। तो यहाँ रुके थे, दो चार मिनट का स्टॉप लेंगे। व्यू बहुत अच्छा आ रहा है सामने वाला, बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है। और ये पहाड़ देख लो, यहाँ से अपने को तकरीबन 1 घंटा लगेगा। तो रास्ता काफ़ी नैरो है, आपको दिखाते हैं रास्ता आगे जाके। तो भाई यहाँ से हमने हवा वगैरह चेक करवा लिया, रास्ता साफ है, हवा वगैरह चेक करवा लिया, और अब हम निकल रहे हैं खाड़दुंगला के लिए। और यहाँ पे वो देखिए आर्मी के ट्रक्स आ रहे हैं कैसे, वहाँ से ये दिख रहे होंगे आपको। काफी नैरो रोड होने वाली है आगे जाके। खाड़दुंगला 34 किलोमीटर, एक बीच में साउथ करके भी कोई जगह आएगी, वो भी दिखाएंगे आपको। वैसे तो गाइस यहाँ पे बाइक्स भी रेंटल मिल जाती हैं, बट अपनी गाड़ी लेके जाने का अलग ही मजा है। ये धीरे धीरे हाइट पर जा रहे हैं, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे रोड भी नैरो होता जा रहा है। ये अपना कोई आ गया है गोनपा लेफ्ट व्यू पॉइंट, और ये देखो नीचे। भाई इतनी छोटी रोड है कि यहाँ पे ओवरटेक करना ही बड़ा ही तगड़ा, बड़े मुश्किल काम हो जाता भाई। ओवरटेक छोड़ो, आगे से गाड़ी आ जाए तो दिक्कत हो जाए। हाँ रोड ऐसे साफ है बट नैरो है काफी ज्यादा, और यहाँ पे अगर किसी का मोशन टूट जाए तो फिर तो, जैसे ये देखो बस पूरे मोशन के साथ ऊपर गई है, और अपनी गाड़ी भी पूरे मोशन के साथ दूसरे गियर में ऊपर जा रही है। देख लो यहाँ पे, जैसे अब ये बस रुक गई है तो आगे से एक गाड़ी आ रही है। गाड़ी कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, ऑल्टो ही है, बट फिर भी देखो कैसे साइड में लगानी पड़ रही है कि गाड़ी निकल जाए बस से एक बारी। अभी देखो जैसे ये बस का मोशन टूटा, ये मुश्किल से ही बनता है बसों का मोशन, क्योंकि हैवी व्हीकल है ना और हाइट काफी ज्यादा है। रोड देख लो आप कितने मतलब तगड़े हैं, और मतलब फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकते आपको। भाई का गला अभी भी खराब है, ये घर जाकर ही ठीक होगा। मैं अगली बारी भाई अब जब भी लद्दाख आएंगे तो मतलब कि ज्यादा दिन के लिए आएंगे, अभी तो हमारे पास टाइम थोड़ा कम है तो पास पास ही जाएंगे भाई। अगली बार एक हफ्ते 10 दिन के लिए आएंगे, ठीक है। हाँ। तो छोटे छोटे घर लोगों के यहाँ पे
अभी भी 38 किलोमीटर है अपना, 29 किलोमीटर है खाड़दुंगला यहाँ से, और रास्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो गाइस यहाँ से देख लो आसमान कितना नीला हो रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है कि हाइट पर जा रहे हैं धीरे धीरे, धरती से काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गए हैं। तो भाई आपको बर्फ दिखा कर ही रहेंगे हम, स्नोफॉल नहीं मतलब स्नो पड़ी हुई दिखाएंगे आपको। पीछे लिखा था द पर्पस ऑफ वॉर इज पीस, समझने वाले समझ जाएंगे। गाइज आप देख सकते हो हम बहुत ही ज़्यादा हाइट के ऊपर आ गए हैं, और ये हाइट बढ़ती जा रही है, मतलब अपना 13-14 हज़ार फीट पे जाना छोटी मोटी बात नहीं है। कुछ भी कहा जाए रास्ता तो काफी ज्यादा डेंजरस है यहाँ का। यहाँ से साउथ कुल्लू नाम की कोई जगह, वो 7 किलोमीटर आ गया, और यहाँ पे लोग मैगी वैगी खाने रुके हैं। तो गाइस एक जगह आ रही है अपने आगे साउथ कुल्लू, ये पता नहीं क्या कोई मतलब छोटा सा एक स्टेशन है यहाँ पे खाड़दुंगला के रास्ते में। यहाँ पर थोड़ी देर रुकते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, क्या है, क्या एक्सप्लोर करने के लिए। ये देखिए यहाँ पर आ गया साउथ कुल्लू। और भाई अपना जो व्लॉग है आगे की इंटरेस्टिंग होता जाएगा, तो भाई ज़रा सा भी स्किप मत करना और पूरा देखना। और काफ़ी ठंडी हवाएं चल पड़ी हैं यहाँ पर ना। ये देखिए गाइस बिग डैडी ऑफ एसयूवीज गई फिर से हमारे आगे से, और ये हम पहुंच गए हैं। तो भाई ये साउथ कुल्लू पहुंचे हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है कार्ड बनाने के लिए, और अभी ये रजिस्ट्रेशन करवा रहा था हमने। और बढ़िया जगह लग रही है देखने में। तो भाई पिक्चर में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए रुके थे, और अभी काफ़ी खुली सी सड़क चल पड़ी है यहाँ पे, मेरे को समझ नहीं आ रहा नीचे इतनी ज़्यादा नैरो थी। और ये देख लो सारा ये खाड़दुंगला के पहाड़ हैं, और ऊपर बर्फ पड़ी हुई है। तो फाइनली आपको बर्फ भी दिखा ही देंगे हम लोग। देख लो ये कितनी सुंदर बर्फ लग रही है, ये सामने पहाड़ देखो, वो आगे सामने देखो। भाई ये है खाड़दुंगला, क्या बात है यार कितनी बर्फ पड़ी है यहाँ पे, मैं तो हैरान हो गया हूँ भाई। ये देखो पूरा ही बर्फीला ग्लेशियर के साथ पहाड़ पूरा ढका हुआ यहाँ पे। मेरे को लगता है ऊपर जाके हमें जैकेट वगैरह पहननी पड़ जाएगी। जैकेट तो ऐसे लाई है बट काफ़ी मोटी है, मेरे को लगता नहीं है कि वो पहनी भी जाएगी, बट चलो देखते हैं आगे क्या बनता है। शार्प टर्न हेड मूव स्लोली। तो भाई ये ऐसा लग रहा है कि बर्फ ना अभी ताज़ी बर्फ है, अभी पड़ी है ये बर्फ, ऐसे लग रहा है मुझे। देखो ना जैसे ये ग्लेशियर पड़ा है बिल्कुल साफ है, नहीं तो ऑलमोस्ट मैंने जितने ग्लेशियर देखे हैं सारे गंदे ग्लेशियर मिट्टी से भरे हुए, बट यहाँ पे बर्फ थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि कभी कभी पड़ती रहती है यहाँ पे गर्मियों में भी। और आप देख सकते हो कैसे डेड एंड है ये रास्ता, मतलब
ऐसे लगता है कि सीधी खाई है बट आगे रोड निकलता है। भाई ये छोटी सी एक क्रॉसिंग है पानी की, यहाँ पे जो पत्थर है ना वो खड़े पत्थर है, तो थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा हमें यहाँ पे। यहाँ पे ना भाई ऐसे लगता है कि पत्थर गिरते हैं, यहाँ पे शूटिंग स्टोन्स हैं क्योंकि रोड पे काफी ज्यादा पत्थर पड़े हुए हैं। और देख लो भाई कितनी ज्यादा हाइट पर आ गया, नीचे देखा नहीं जा रहा है। और देख लो ये कुछ भाई अपने साइकिल के ऊपर जा रहे हैं, तो भाई हैट्स ऑफ कि आप लोग साइकिल पे आ रहे हो, कई लोगों से तो गाड़ी में नहीं जाया जाता। तो ये भाई आ चुके हैं हम ऑलमोस्ट खाड़दुंगला में, और ये बड़े बड़े ग्लेशियर अपने पास आ चुके हैं, और आगे कुछ बाइक्स जा रही हैं अपने। और ये देख सकते हो भाई, मैं रेकमेंड करूँगा जब भी आप धूप में बर्फ़ को देखते हो ना डायरेक्टली, तो मैं प्रेफर करूँगा कोई सनग्लासेस वगैरह आप यूज़ कर लीजिए, क्योंकि ऐसे स्नो ब्लाइंडनेस भी हो सकती है आपको। क्यों भाई? आप डायरेक्टली स्नो को देखोगे धूप में, उसकी रिफ्लेक्शन इतनी ज़्यादा तेज़ होगी तो उस वजह से स्नो ब्लाइंडनेस का डर रहता है। तो मेक श्योर कि आप एक सनग्लासेस यूज करिए। लगता भाई जैकेट पहननी पड़ेगी बाहर जाके। और भाई ये काफी ज्यादा हाइट आ गई है, नुकीले पत्थर आ गए हैं यहाँ पे। यहाँ से थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा हमें, क्योंकि जो पत्थर है वो नुकीले हैं। भाई ये काफी लंबा रफ पैच आया यहाँ पे। ये बस आ गई है आगे से काफी जगह से। ये मेरे को लगता पूरा ऊपर तक टॉप तक अभी यही रफ पैच ही रहेगा। पीछे लिखा है कि खतरनाक एरिया शुरू हो गया है, तो आप गाड़ी आराम से चलाइए, शार्प टर्न अहेड। तो भाई यहाँ से रह गया कोई 1.5 किलोमीटर का रास्ता रह गया खाड़दुंगला का, और ये पानी वाला रास्ता तो खत्म होने को ही नहीं आ रहा। तो भाई अब अपनी गाड़ी ने स्नोफॉल का, तो भाई यहाँ पे आ गया अपनी गाड़ी के अंदर बर्फ का सिग्नल और 4 डिग्री टेम्परेचर की आगे अपने को 4 डिग्री टेम्परेचर यहाँ से शुरू हो गया, और ठंड भी बढ़ गई है बट धूप बहुत ज्यादा तेज है यहाँ पे। यहाँ से कोई 500 मीटर की दूरी पे वो आ गया भाई अपना खाड़दुंगला सामने, वो सामने वो लगे हैं। तो भाई
वेलकम टू खाड़दुंगला पास, ये है अपना खाड़दुंगला के टॉप। फाइनली पहुंच चुके हैं खाड़दुंगला पास और हमने जैकेट वगैरह पहन लिया। तो गाइस कुछ खास तो देखने वाला था नहीं खाड़दुंगला पास में, और एक जो बोर्ड है खाड़दुंगला पास वाला जहां पे लिखा वर्ल्ड्स हाईएस्ट करके जो लिखा है, वहां पे इतना रश था ना और ऐसे लोग साइड हटते ही नहीं है तो क्या दिखाना। खैर मैंने एक क्लिप शूट कर लिया था वहां पर जाके, तो आपको पता लग जाएगा कितने घर लोग हैं, क्योंकि बहुत ही क्राउडेड एरिया हो गया यार। ये सच्ची डिसअपॉइंटमेंट हुई यहाँ पर आके कि यार लोगों ने गंद मचा रखा है बस, और इतना ज़्यादा कचरा था ना ऊपर और इतनी स्मेल थी ना, मतलब लग ही नहीं रहा था कि कोई किसी अच्छी जगह पर आए हैं। और मैंने तो जैकेट उतार ली है, भाई ने अभी भी जैकेट पहनी है। 3 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे, 3 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे, और भाई कहाँ 45-47 डिग्री से 3 डिग्री टेम्परेचर में हम आ रहे हैं। तो बाकी स्टे ट्यून्ड, आगे हम नीचे जाके एक जगह रुकेंगे, वहाँ पे आपसे बात करते हैं। तो गाइस यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि लैंडस्लाइड हो गई है ये खाड़दुंगला की रोड के ऊपर। यहाँ से वापस जाते आगे क्रेन वगैरह खड़ी है, आपको दिख रही होगी। ये पत्थर वगैरह हटाएंगे यहाँ से, देखो कितना टाइम लगता है। तो गाइस ये यहाँ से इन्होंने पत्थर हटाए, ये पत्थर रखे यहाँ पे, ये डायरेक्टली ऊपर से नीचे आ गए थे, तो नीचे कोई था नहीं मतलब जब ऊपर से पत्थर आए। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम ले, और यहाँ पे अभी देखेंगे कोई बढ़िया सा कैफ़े और वहाँ पे पियेंगे हम कॉफ़ी, फिर उसके बाद देखेंगे कि रात को या शाम को करना क्या है। तो तो गाइस हम आए हैं ले की मार्केट में, और ये आप आगे देख सकते हो कितना अच्छा व्यू आ रहा है आगे। अपने इंडिया में ऐसी जगह भी है, सुंदर लग रहा काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी डिसेंट मार्केट है ये ले की, और क्राउड भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। तो गाइस अभी हम खाना वाना खा के फ्री हो गए हैं, और अभी सोच रहे हैं कि सो जाएं क्योंकि कल सुबह जल्दी निकलना है। और भाई अरे यार घर से फोन आ गया एक्चुअली यार, तो हमने बहन की एक आधा दिन और रुकेंगे तो घर जाना पड़ेगा, बिकॉज घर वालों का कॉल आ गया कि जल्दी आ जाओ आप लोग, कुछ काम है घर में। तो अपने एक भाई की शादी भी है, वो भी अटेंड करनी है हमें। सो कोई बात नहीं, 1-2 महीने में फिर से आ जाएंगे। लद्दाख कौन सा दूर है, ये पास ही है, अभी पता चल गया यहाँ का, ये पास ही है। सो भाई इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना कि हम लोग कहाँ कहाँ नहीं गए, ठीक है। और अभी के लिए गुड नाइट।